अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज 20 अगस्त 2020 और दिन है जुमेरात का। बात करेंगे रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स के बारे में। आज सुप्रीम कमेटी ने लिमिटेड जो कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट हैं उनको ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी ओपन करने इन सेंस के कस्टमर जो हैं वो बैठ सकेंगे अंदर। वो तमाम इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट जो हैं वो उनको इजाज़त दे दी गई है ओपन करने की, और वो कस्टमर जो है उनको रिसीव कर सकते हैं। दे कैन सिट इनसाइड एंड डाइन इनसाइड, यानी अंदर बैठ कर खाना खा सकते हैं, कॉफ़ी शॉप भी पी सकते हैं। लेकिन बड़ी स्ट्रिक्ट जो हैं वो गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस क्या हैं? वो तमाम इंटरनेशनल रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट और वो तमाम कैफ़े जिनको इजाज़त दी गई है ओपन होने की, यानी कस्टमर अंदर बैठाने की, उनके लिए जो गाइडलाइन है वो कुछ इस तरह से है। एक तो ये है कि 2 मीटर जो है डिस्टेंस उसको इंश्योर किया जाएगा कि यानी 100% इंश्योर किया जाएगा कि 2 कस्टमर के दरमियान जो है, या 2 टेबल्स आप कहते हैं कि बैठें और बैठने के लिए जो होते हैं वहाँ पे 2 मीटर जो है वो डिस्टेंस लाजमी होगा। उसके अलावा इंट्री एंड एग्ज़िट टाइम जो है, जब आप इंटर होंगे वो टाइम, जब एग्ज़िट होंगे वो तमाम ड्यूरेशन का टाइम जो है वो रजिस्टर्ड होगा, उसमें इन आउट आपका लिखा जाएगा। इसके अलावा मोर देन 70% अल्कोहल के साथ जो है स्टरलाइज किया जाएगा उस तमाम एरिया को, और वही हैंड सैनिटाइजर जो है वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। ओनली 4% विल बी अलाउड एंड वन टेबल। एक टेबल के ऊपर सिर्फ 4 बंदे जो है उनको बैठने की इजाज़त होगी, इससे ज़्यादा बैठने की इजाज़त नहीं होगी। और जितने भी फूड और बीवरेजेस जो हैं वो सिंगल जेनरिस पैक में यूज़ किया जाएगा। कह लेंगे कम्बाइन जो होता है, जग लिया है, पानी जो शेयर कर लिया, वैसा इस तरह को वाइन शराब कुछ भी है वो सिंगल पैक जो है वही इस्तेमाल के लिए दी जाएगी। उसके बाद जो है बफे जो है वो अलाउ होगा, लेकिन साल्ट पेपर शुगर केचप मस्टर्ड मस्ट बी सर्व्ड इन डिस्पोजेबल बैग्स। यानी आप जो है बफे जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे, अवेलेबल होगा, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें साल्ट हो गया, मर्च होगी, केचप होगी, इसके अलावा देगर जितनी भी कह लेंगे एक्स्ट्रा लवाजमा जो होते हैं खाने के, वो डिस्पोजेबल बैग्स के अंदर ही सर्व किए जाएंगे। रीयूजेबल कंटेनर जो है उनके लिए यूज़ नहीं होगा। उसके अलावा है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन जो हैं वो लंबे अरसे तक, यानी एक कस्टमर आया तो उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो ही वो उठ के चला जाएगा उनको उठा लिया जाएगा, रखने की यानी इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा वेटिंग एरिया में जो है कस्टमर के लिए न्यूज़पेपर और क्या कहते हैं कि मैगज़ीन जो है वो रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। टेबल के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद इमिडिएटली दे विल टेक इट, बाकी वेटिंग रूम में जो है वो बिल्कुल नहीं होंगे। उसके अलावा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, आपको तक कार्ड से पेमेंट जो है उसको नेसेसरी बनाया जाएगा। कोशिश कीजिएगा 100% जो है वो कार्ड से ही पेमेंट ले, इंटेक्ट जो है को नोट जो है वो शेयरिंग वो ना हो। उसके अलावा है अगर कोई नया एम्प्लॉय आता है, उन तमाम रेस्टोरेंट जिनको इजाज़त मिली है वहाँ पर कोई भी उनका नया एम्प्लॉय आता है, तो उसके लिए 14 दिन क्वारंटाइन लाजमी होगा। उसके अलावा यानी काम शुरू करने से पहले 14 दिन जो है उनको क्वारंटाइन में रहना होगा। उसके अलावा आपको बताया कि जब आप ओमान में आते हैं तो आपके लिए कोरोना का टेस्ट भी लाजमी है। इधर आके भी जो है उनकी स्क्रीनिंग होगी, और जॉब पे वापस जाने से पहले उसका टेस्ट होगा, नेगेटिव होगा तभी जो है वो जॉब पे जाएगा। उसके अलावा क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ कॉमन सरफेस सच एज डोर स्टेयर, यानी जितना भी आप कह लें कि एंट्रेंस एग्जिट डोर स्टेयर कुछ भी टीवी हर चीज़ जो है पूरी कह लें कि 99% जो है जगह को स्टरलाइज आपने करते रहना टाइम टू टाइम। चेयर्स टेबल जो है उनको फ्रीक्वेंटली करना है हर कस्टमर के आने और जाने के बाद, आने से पहले और जाने के बाद। जबकि टेम्परेचर ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी मेजर्ड एट रेगुलर बेसिस, जब आप एम्प्लॉयज जितने भी हैं वहाँ पे काम करते हैं रेस्टोरेंट कैफेज में, उनका जब वो इंटर होंगे टेम्परेचर चेक होगा, एग्जिट होंगे तो भी टेम्परेचर चेक होगा, और इन आउट सभी का जो है वो लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा है वर्कर मस्ट वर्क एडहेयर टू फिजिकल, वर्कर्स जितने भी हैं उनके लिए भी सेफ डिस्टेंस और जितने भी फॉलोइंग मेजर्स हैं सेफ्टी के हवाले से उनके ऊपर अमल करना लाजमी होगा। देयर इज़ नो कमिटमेंट ऑफ ऑल वर्कर टू वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड ओके, ये चीज़ लाजमी बनाई जाएगी कि जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने किट पहनी हुई है, कोरोना सेफ्टी किट जो है। उसके अलावा जितने भी प्रिवेंटिव कह लेंगे टूल्स हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, मास्क है, ग्लव्स हैं, डिस्पोज क्या कहते हैं कि दूसरा फेस मास्क, उसके अलावा फेस शील्ड और कवर ऑल होता है, किट होती है जिसमें आप पूरी बॉडी कवर हो जाती है,
इवन के शूज़ के ऊपर भी जो है वो कवर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहन के रखेंगे जब तक वो वहाँ पर ड्यूटी पर हैं। इसके अलावा कस्टमर जितने भी होंगे वो कोरोना के हवाले से, यानी उनको भी सेफ्टी का मेजर्स का प्रॉपरली फॉलो करना है, और वो हर वक्त जो है कैफ़े के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर जब तक वो खाते नहीं हैं वो मास्क पहने रखेंगे। सिर्फ खाने के वक्त के दौरान जो है वो उनको मास्क रिमूव करने की इजाज़त होगी, उसके अलावा उनको मास्क पहने रखना है। और जितने भी कस्टमर जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर कैफ़े के अंदर, उसके अलावा जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको फ्रीक्वेंटली मूव करने की इजाज़त नहीं होगी कि इधर से उधर जा रहे, इधर से उधर जा रहे, इधर से उधर, वो नहीं होगा। सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही वो आपको ज़्यादा घूमने की या नहीं इजाज़त दी जाएगी। उसके अलावा आपको फ्री में ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए या जानबूझ के इधर उधर, वो इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। उसके अलावा किसी भी किस्म की अगर कोई बंदा या कस्टमर या इवन के एम्प्लॉय जो है उसको स्नीजिंग वगैरह, उसकी इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी को होती है तो उसको इमिडिएटली जो चेकअप किया जाएगा, और एमरजेंसी प्रिवेंटिव किट जो है वो भी लाजमी रखना, यानी तमाम जगह पर रखना लाजमी है। और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में एक तो तभी इमदाद जो है मुहैया करने के लिए सभी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और दूसरा आपको एमरजेंसी में एक छोटा एरिया जो मुख्तस होना चाहिए, जो ही कोई आपको लगे किसी को कोरोना का सिम्टम है या स्नीजिंग अलॉट, उनको उस एरिया में लेकर जाएं और आइसोलेट करें और जो है अथॉरिटीज़ को कॉल करें। बाकी देकर जितनी भी एहतियात हैं आप सबको बताएं, अपनी तरफ से 100% कोशिश करें, और दुआ करें जितनी भी बाकी एक्टिविटीज़ वो तमाम रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप्स हैं जो अभी नहीं खुले, जिनको इजाज़त नहीं दी गई, वो भी जल्द ओपन हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।